नमस्कार दोस्तों, इजी नौकरी चैनल पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, रेलवे आरपीएफ का क्रैश कोर्स स्टार्ट हो गया है और दोस्तों अभी हम फोकस कर रहे हैं जो करंट अफेयर्स के टॉपिक हैं। एएलपी ग्रुप डी में भी आ चुके हैं और आरपीएफ में भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। इस बार के टॉपिक में हम बात करेंगे चारों जो टेनिस के ग्रैंड स्लैम 2018 में हुए हैं उनके विजेता कौन कौन रहे हैं। पूरा पीडीएफ फाइल आप टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। दो हमारे पास टेलीग्राम ग्रुप हैं, ये देखिए आप देख सकते हैं। एक इजी नौकरी जो सभी परीक्षाओं के लिए है और रेलवे एएलपी ग्रुप डी आरपीएफ का एक टेलीग्राम ग्रुप है। तो हमारे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें। तो दोस्तों शुरू करते हैं जो टेनिस के चारों ग्रैंड स्लैम। पहला जो ग्रैंड स्लैम होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, उसके बाद लाल बजरी पर खेला जाने वाला फ्रेंच ओपन होता है, उसके बाद विंबलडन होता है और आखिर में होता है यूएस ओपन। और इन्हीं चारों टेनिस ग्रैंड स्लैम से क्वेश्चंस बनते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं, साल की जो शुरुआत होती है ना वो ऑस्ट्रेलियन ओपन के साथ होती है। तो इस बार का जो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2018 था वो जनवरी 2018 में मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हुआ। यह वार्षिक रूप से खेले जाने वाला चारों ग्रैंड स्लैम में से एक है और स्विट्जरलैंड के जो रोजर फेडरर हैं उन्होंने क्रोएशिया के मैरिन सिलिक को हराकर पुरुषों की एकल श्रेणी में जीत हासिल की, जबकि महिला एकल में डेनमार्क की कैरोना वेंजिकी ने रोमानिया के सिमोना हालेप को हराया। तो दोस्तों सबसे पहले आपको ज़रूरी है कि पुरुष खिताब किसने जीता और महिला खिताब किसने जीता, इन्हीं से ज़्यादातर आते हैं। तो पुरुष आपका हो गया रोजर फेडरर और जो महिला का खिताब हो गया वो डेनमार्क की कैरोलिन वेंजिकी। ठीक है, अब संपूर्ण हम देख लेते हैं विजेताओं के नाम। देखिए, पुरुष एकल के विजेता रोजर फेडरर और महिला एकल के विजेता हुए कैरोलिन वंजिकी। इन्होंने रोजर फेडरर ने हराया मारिन सिलिक को और कैरोलिना वंजिकी ने हराया सिमोना हेलप को। ठीक है, अब बाकी जो मिक्स डबल्स हैं या पुरुष मिक्स डबल्स हैं या महिला मिक्स डबल्स हैं, इनके विनर्स आप याद कर सकते हैं लेकिन बहुत कम पूछे जाते हैं। तो पुरुष एकल का खिताब जीता ओलिवर मराज और पैट मैविक, महिला का जीता क्रिस्टीना मिलोवनोविच और तिमेना बबूस, मिक्स डबल का जीता ग्रेबिला डरोस्की और मैट पैविक। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका पूरा पीडीएफ फाइल याद कर लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। इसके बाद आता है दोस्तों अगला जो फ्रेंच ओपन, ये लाल बजरी पर खेले जाने वाला टूर्नामेंट है। इसे दोस्तों रोलैंड गैरोस भी कहा जाता है। ये आउटडोर क्ले कोर्ट पर खेले जाने वाला ग्रैंड स्लैम, ये 122वां संस्करण था 2018 का ग्रैंड स्लैम 11। इसे पेरिस में, ये बेसिकली ये ग्रैंड स्लैम जो है पेरिस में होता है, फ्रांस की राजधानी। राफेल नडाल ने, ये डिफेंडिंग चैंपियन थे, उन्होंने 11वां फ्रेंच ओपन जीता, जबकि सिमोना हेलेप ने अपना पहला ग्रैंड स्लैम जीता। सिमोना हेलेप वही हैं जिन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन में वो उप विजेता रही थी। ठीक है, विजेताओं की सूची हम देख लेते हैं, क्योंकि पुरुष एकल का खिताब राफेल नडाल और हराया किसे, डोमिनिक थीम को। महिला एकल का खिताब सिमोना हेलेप, हराया किसे, स्लोन स्टीफन को। तो यहाँ के विजेता उप विजेता आपको याद रखने, और जो मिक्स डबल पुरुष या महिला या मिश्रित मिक्स डबल्स हुए उनके केवल जो विनर्स हैं उनको नाम याद रखना है, इतना ही सफिशेंट है। तो निकोलस मुरू और पेरी होगबर्ट्स ने पुरुष डबल्स का खिताब जीता, महिला डबल्स का बारबरा कर्जकोवा और कैटरीना सिनकोवा ने जीता, मिक्स डबल्स का लतिशा चन और एवान डोरिगिन ने, क्रोएशिया की हैं इन्होंने जीता। अब बात कर लेते हैं विंबलडन। ये दोस्तों ब्रिटेन में या यूनाइटेड किंगडम लंदन में खेला जाता है। ठीक है, ऑल इंग्लैंड लॉन टेनिस क्रॉन्कर क्लब इसे आयोजित करता है। ये 2 जुलाई 2018 को शुरू हुआ और 15 जुलाई 2018 को जीता। जीता किसने, नोवान जोकोविच ने पुरुष एकल खिताब और एंजेलिक कर्बर ने महिला एकल का खिताब जीता। बस इतना याद रखना है क्योंकि पुरुष और महिला एकल में जो विनर रहे हैं उनका नाम तो बहुत पूछा जाता है। नोवान जोकोविक पुरुष, महिला एकल में एंजेलिक कर्बर, हराया किसे, केविन एंडरसन को हराया जोकोविक ने और सेरेना विलियम्स को एंजेलिक कर्बर ने एक बार फिर हराया। वही पुरुष युगल के विजेता माइक ब्रायन, जैक सॉक, महिला युगल बारबोस क्रुजकोवा और कैटरीना सिनकोवा और मिक्स डबल का एलेक्जेंडर प्रिया और निकोल मेलिचर ने ये टूर्नामेंट जीता। अगला जो फोर्थ ग्रैंड स्लैम, जो चौथा भाग होता है ग्रैंड स्लैम में, वो होता है यूएस ओपन। दोस्तों ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का अंतिम ग्रैंड स्लैम होता है साल का। ये न्यूयॉर्क के यूस्टा बिलीजिंग नेशनल टेनिस आउटडोर हाई कोर्ट में आयोजित होता है। ठीक है, इस बार ये टूर्नामेंट जीता सर्बिया के
नोवान जोकोविक ने, इन्होंने विंबलडन भी जीता है और इसके बाद ये यूएस ओपन भी जीता है। वहीं जापान की नाओमी ओसाका ने सेरेना विलियम्स को हराकर ये खिताब जीता। विजेताओं की सूची हम देख लेते हैं। देखिए विजेताओं में नोवान जोकोविक सर्बिया के विनर रहे और नाओमी ओसाका जापान की विनर रही। इन्होंने हराया किसे, जुआन मैट्रिन हेलो पोट्रो को, और सेरेना विलियम्स को नाओमी ओसाका ने हराया। ठीक है, अब इनके विनर कौन से रहे, माइक ब्राउन और जॉक्सो जिन्होंने कि विंबलडन जीता था वो फिर दोबारा से आए हैं। महिला डबल्स में एशेगिक बार्टी और कोको यजवेब, और मिक्स डबल में बेथानी मार्टसेंट्स और जेमी मुरे। ठीक है, तो ये दोस्तों पूरा पीडीएफ फाइल मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप पर सेंड कर दिया है चारों ग्रैंड स्लैम का। ठीक है, कोशिश करिएगा पुरुष एकल और महिला एकल के जो विजेता है ना वो अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, उपविजेता भी याद कर लीजिएगा, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आपको बनेंगे। निश्चित रूप से आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आरपीएफ की ये लगातार क्रैश कोर्स सीरीज हमारी चलती रहेगी। थैंक यू वेरी मच।